सदके मुंह से महादेव जी का जबरदस्त जयकारा सुनना चाहता हूं। रतनपुरा के लोगों के अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है, यह आपके चेहरों से दिख रही है, और ये ऊर्जा आप जयकारे के अंदर इसको सबूत करोगे। बोलिए शिव शंकर महादेव की। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी ऊर्जा आपने जयकारे में दिखाई है, वैसी ही ऊर्जा आप सांसोर से रानीवाड़ा को अलग करके भिनमाल में शामिल करके भिनमाल को जिला बनाने में, जहां तक ये धरना चले, जहां तक ये मांग मजबूती के साथ चले, ऐसी मजबूती आप सभी उनके साथ में रखना, ये आप सभी से निवेदन है। मैं ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करूंगा। मुकेश जी से मैंने यहाँ धरने में 13वां दिन है लगातार मैं आ रहा हूँ। आज पहली बार मैंने समय मांगा है। इसका एक कारण है कि मैं भी एक आम आदमी पार्टी का छोटा स्टूडेंट हूँ, मैं पदाधिकारी हूँ। पार्टी की तरफ से कई सारे कार्यक्रम आते हैं, एमएलए एमपी यहाँ जो एमएलए साहब है उनके पार्टी के उनके कार्यक्रम लगातार रहते हैं, पूर्व विधायक जी है उनके भी कार्यक्रम पार्टी के लगातार रहते हैं। तो हमारी पार्टी भी एक छोटी दुकान बीच में लगा रही है, तो हमारे भी छोटे मोटे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उसका हाँ, तो उसके लिए मेरे पास थोड़ा समय कम था, इसलिए मैंने पहले समय मांग लिया। मैं दो बातों पर विशेष बातें आप सबको कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सांसोर की बात कर लेता हूं आपको। यहाँ हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सांसोर बिना मांगे जिला बनाया गया, वो बात सच है। मैं सांसोर में रहता हूँ, सांसोर वासियों को जिले की कितनी जरूरत थी वो मैं आपको बता देता हूँ। सांसोर का बेड़िया और जो पाकिस्तान बॉर्डर पर जो गांव थे, गांव है, उन गांवों के लोगों को सख्त से सख्त जिले की जरूरत थी। ये बात हम सबको मानना पड़ेगा, सच को सच कहना पड़ेगा। और मैंने पहले ही दिन धरने में ये कृष्ण जी ने बताया कि सौगंध ली थी, मैंने सौगंध ली, मैं देवासी हूँ, मैं शिव जी को मानता हूँ, मैंने सौगंध लेने के बाद में मैं ये मानता हूँ कि मर जाऊंगा लेकिन उस समय सौगंध में शिव जी की नहीं तोड़ूंगा, मैं राजनीति नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, इस धरने पर नहीं करूंगा। यहाँ पर गाड़ी की सीट पर बैठता ही कांग्रेस और भाजपा का जो पट्टा बजाना शुरू कर दूंगा, लेकिन इस धरने पर नहीं करूंगा। तो सच ये है कि सांसद विधानसभा क्षेत्र का जो खेजड़ियाली और वेड़िया जो गांव है, उन गांवों की दूरी जालोर जिला मुख्यालय से 250 किलोमीटर है। अहमदाबाद जाओ और जालोर जाओ बरोबर है, अहमदाबाद का तो फिर भी रास्ता अच्छा है, बात 2-3 घंटे में गाड़ी पहुंच जाती है, या तो बेचारे वहां से किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ जाए एसपी ऑफिस में या कलेक्टर ऑफिस में तो वो लोग 2 दिन तय करके जाते थे वहां पर। व्हीकल वाला व्यक्ति तो 1 दिन में आ भी सकता है, 4-5 घंटे जाते वक्त, 4-5 घंटे आते वक्त और रात को 12 बजे तक आ सकता है, लेकिन जिसके पास में साधन नहीं थे उन लोगों की इतनी बड़ी मुसीबत थी कि वो लोग वहां से आज सुबह रवाना हुए और तीसरे दिन सुबह वापस घर पहुंचते थे। ये समस्या थी और ये वर्षों से समस्या थी। जिला जब बना उस समय भी अन्याय हुआ था, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में जब देश आजाद होने के बाद में राजस्थान का स्थापना होने के बाद में जब जिले बने वो भी सही हुए थे, सही बने, ऐसा भी नहीं है। उस समय भी जालोर मुख्यालय जिला नहीं बनना चाहिए था, जिला मुख्यालय भिनमाल बनना चाहिए था। उस समय भी मैं 70 साल पहले की बात कर रहा हूं। आप देखो दूरी देखो, आप जालोर एक ऐसा जिला है, अपने हिंदी में कहते हैं आयताकार और अपने देसी भाषा में मौसा वालू, जो मौसो खाटलो है वंत मारो, अपने जालोर जिला रो क्षेत्रफल है, एम लंबो है और एम चौड़ाई कम है। एम लंबो मतलब खेजड़ियाली से लगा करके आवर का लास्ट वाला गांव। अब उसके आप दूरी नापो तो 350 किलोमीटर है, और अगर ऐसे सोड़ा ही नापो तो 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। तो ये आयताकार है तो इसके 20-20 में जिला होना चाहिए था या नहीं चाहिए था? लेकिन उस समय जब जिले बने उस समय भी मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं राजनीति हुई होगी, कहीं ना कहीं नेताओं ने इधर उधर खींचा होगा, कहीं ना कहीं कुटिलता हुई होगी, तब जाकर के जालोर जिला बना। बाकी जालोर मुख्यालय जिला बनने के लायक नहीं था, जिला मुख्यालय बनना था भिनमाल। तो आज ये समस्या होती नहीं, नए जिले भी बनाने की कोई जरूरत नहीं, भिनमाल सबके लिए बेस्ट था, सबके बीचों बीच में पड़ता था। मैं मेरी खुद की वेदना बताता हूँ आपको, जिले की सांसद वासियों को कितनी जरूरत थी। मेरा गांव सांसद से 22 किलोमीटर है। मेरे पिताजी ने 2020 में जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़े, उस समय हमने लाउड स्पीकर और प्रचार प्रचार के लिए परमिशन लेने के लिए जिला कलेक्टर के गए, हम शुक्रवार को कलेक्टर साहब वहां नहीं मिले, आगे शनिवार आ गया, उसके बाद में रविवार आ गया, फिर सोमवार को जाना पड़ा। अब बताओ दूसरी सारी पार्टियों के लोगों ने, दूसरे प्रत्याशियों ने अपना प्रचार शुरू कर दिया, हम 3 दिन तक घर पे बैठे रहे, तब मुझे पता लगा कि हमारे से ये जिला दूर है, इसका खामियाजा ये है।
जिस पे बीतती है उसको पता होता है कि जिला निकट होना या जिला अपने एरिया में होना कितना जरूरी है। सांसौर की यह स्थिति है, सांसौर के उन गांवों की। लेकिन अब जो सांसौर जिला बना है उनका विरोध हम यहां करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम इसलिए बैठे हैं कि सांसौर जिला बहुत बढ़िया अच्छी तरह से बना है, कोई चिंता जैसी बात नहीं है। लेकिन रानीवाड़ा का जो बहुत बड़ा बेल्ट है, इस बेल्ट को सांसौर के अंदर डाल करके एक नया जिला और यहां मिलना था भिनमार को, उसको नष्ट नाबूद नहीं किया जा सकता। ये भिनमार और रानीवाड़ा की जनता के साथ में अन्याय है, ये सरकार के साथ में अन्याय है, सरकार के द्वारा किया गया अन्याय है मैं कहता हूं। और इस अन्याय को न्याय में बदलने के लिए हम सब यहां इकट्ठे हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। आप देखिए किसी भी पार्टी के 100 बार बुलाने के बाद में भी 10 कार्यकर्ता नहीं आते हैं। आप लोगों को किसने डीजल भरवाया, किसने आपकी गाड़ी के अंदर डीजल डलवाया, किसने आपको घर घर जाकर न्योता दिया, लेकिन फिर भी आप लोग हर रोज अलग अलग पंचायतों के लोग 100, 200, 500, 1000 लोगों की मात्रा में आ रहे हो। कुछ न कुछ तो वेदना है आपके अंदर। इसमें सारी पार्टियों के लोग, ऐसा थोड़ी जरूर कि रतनपुरा में भाजपा के लोग यहाँ आए या रतनपुर से कांग्रेस के लोग ही आए, ऐसा थोड़ा ही है। आप सब मिलकर के आए हैं और इसका कारण एक ही होता है कि जिस समय हम कॉलोनी में रहते हैं और उस समय अगर कॉलोनी के अंदर आपसी हमारे खटपट तो रहती है, लेकिन कहीं बाहर से चोर कॉलोनी में घुसता है तब हम लठियां लेकर के सब मिलकर के उस चोर को भगाते हैं। भगाते नहीं भगाते हैं। तो ये चीज है कि हमारे अंदर जालौर जिले के अंदर एक अन्याय घुसा है, इस अन्याय को बाहर निकालकर न्याय में तब्दील करने के लिए हम सब मिलकर के एक मंच पर आए हैं। और मैं समझता हूं कि इस मंच पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो नेता यहाँ आते हैं और राजनीति की बात करते हैं, एक दूसरी पार्टी पर आक्षेप लगाते हैं, उन नेताओं की मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि उनकी नियत ही नहीं है कि रानीवाड़ा को भिनमार के साथ में मिलाकर भिनमार को जिला बनाया जाए। उनकी नियत ही नहीं है। उन लोगों को अब भी समझना होगा, कोई बात नहीं, पीछे जो हुआ जो हो गया, लेकिन यह धरना राजनीति रहित धरना है। इस धरने पर राजनीति बिल्कुल मत कीजिए। आगे जाकर आपकी जितनी पहुंच है, आपने जितने यहाँ क्षेत्र में काम करवाए हैं, इसको गिनाने की क्या जरूरत है? लोगों को तो पता है आपकी पार्टी कैसी है, वो दर्शाने की कहां जरूरत है? यहाँ पर बाहर दर्शाओ, लोगों को तो पता है। तो ये चीज आप अपने फील्ड में करो, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं करे। ये लगातार इस संघर्ष समिति का लगातार निवेदन रहा है, लेकिन संघर्ष समिति के लोग किसी के हाथ में से माइक पकड़कर नीचे नहीं रखते। ये मर्यादित लोग है, पूरी संघर्ष समिति आज पूरे रानीवाड़ा के लिए लड़ रही है। ये लोग, ये मुकेश जी और मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन 15-20 लोग है लगातार, ये तनु सिंह जी और ये सारे लोग हर रोज यहाँ पर 4-4, 5-5 घंटे बैठते हैं। क्या इनके पास काम नहीं है? इनके पास भी काम है, लेकिन इनके दिल में एक ही लक्ष्य है कि हमारा उठाया हुआ बीड़ा पार पड़े और रानीवाड़ा भिनमार के अंदर मिले और हम सबको एक न्याय मिले, ये लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को भटकाने का काम राजनीतिक दलों के जो नेता करेंगे वो आने वाले समय में खामियाजा भुगतने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस लक्ष्य को मजबूत करके एक दिल में से राजनीति की भावना अलग रख करके, भाई रानीवाड़ा के लिए हम कुछ करें, रानीवाड़ा के भविष्य के लिए कुछ करें, ऐसा अगर मन में जिसके पास जज्बा है वो व्यक्ति इस धरने को समर्थन देगा, मुख्यमंत्री जी से अच्छी तरह से बात करेगा, निवेदन करेगा, अपील करेगा, रामलुभाई जी से निवेदन करेगा, अपील करेगा, सारी चीजें दिल में से, जिस तरह से अपने घर का काम हम कहीं जाकर करते हैं वैसा काम रानीवाड़ा के लिए जो व्यक्ति करेगा, जो नेता करेगा, वो ही माना जाएगा। जनता सबको देख रही है, जनता जनार्दन है। और जनता तो वो कहते हैं कि पुत्र का पद पालनाम ले गए ना, जन्ने नियत रहा फाइनली जिलो भिनमार बनावे रानीवाड़ा में हाजर थी अलग थी कहीं भिनमार डाल लो है उवारी तो ओगो माते ने हालते रही साल माते जनता ठा पड़े ब्रो है। इसलिए मैं नेताओं से कहना चाहता हूं कि कोई भी अपनी चतुराई यहां न दिखाए, जनता अब चतुर हो चुकी है, जनता राजनीति के हर पन्ने को समझने लगी है। इसलिए राजनीति न करके हम सब समझते हैं कि जालौर जिले के अंदर यथावत पहले था वो ठीक बात है, लेकिन अब नई मांग भिनमार की कई महीनों से चल रही है और नया ऑप्शन भी है हमारे पास कि भाई भिनमार जिला बनेगा तो भिनमार के साथ में रानीवाड़ा विधानसभा आ सकती है। तो क्या है कि सांसौर और सिद्धलवाड़ा एक बहुत बड़ा बेल्ट है, सांसौर के अंदर आज भी जालौर जिले से ज्यादा गांव उसमें सम्मिलित किए गए हैं और जालौर जिले का जो क्षेत्रफल है आज जो सीमांकन के अंतर्गत उससे ज्यादा क्षेत्रफल सांसौर में है। आने वाले समय में सांसौर की जनसंख्या जालौर जिले से बहुत ज्यादा होगी, इसलिए सांसौर से रानीवाड़ा को अलग करके रानीवाड़ा और भिनमार दोनों मिलाकर के बीच का जो ये एरिया है एक शानदार जिला बन सकता है। आने वाले समय में किसी को शिकायत नहीं रहेगी और सरकार को ये न्याय जनता के साथ में करना चाहिए। और अब भी सरकार हमारी बात ये नहीं मानती है और इस तरह का न्याय नहीं करती है।
तो खामियाजा वो भी भुगतेंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है। एक लास्ट बात मैं कह करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ रानीवाला के अंदर हमें ये धरना और ये पीड़ा क्यों उठाना पड़ा? हम लोग विश्वास पात्र लोग हैं। हम विश्वास किस पर करते हैं? हम विश्वास करते हैं हमारे सेनापति पर। हम विश्वास करते हैं हमारा नेतृत्व जो व्यक्ति आगे करते करता है उस पर हम सारा 100% विश्वास करते हैं। रानीवाला विधानसभा की ऐसी विश्वास पात्र जनता है, मैं समझता हूँ। हमने जिन लोगों पर विश्वास किया था, भाई जिले बन रहे हैं, अपन तो बीच में चुपचाप बैठे हैं, उधर सांसद बन रहा है, उधर जालौर बन रहा है, भीमगढ़ की मांग चल रही है, और अपने तो देखेंगे किसी न किसी के साथ में जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, ये विश्वास करके हम बैठ गए। लेकिन हमारा जो नेतृत्व करता है उन्होंने वहां पर मजबूत मांग नहीं रखी कि भाई हम भीनमार को जिला बनाने के समर्थन में है और सीमांकन के दौरान हमें सांजोर के अंदर नहीं जोड़ा जाए। ये दो पंक्तियां हमारे पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों ने, मैं समझता हूं, नहीं कही। ये कोई राजनीति नहीं, ये सीधी बात है, जनता की यही आवाज है। अब मैं समझता हूं कि इन दोनों नेताओं को और हम सबको मिलकर के अगर श्रेय लेना है तो सबको एक ही जाजम पर आकर के मजबूत मांग रखनी है कि पीछे जो भी हुआ जो हुआ, लेकिन अब भीनमाल को जिला बनाओ और रानीवाड़ा भीनमाल को शामिल करो। बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप सभी लोग लगातार हर पंचायत के लोग पधार रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।